देखो आज हम करेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन बेस्ड ऑन मिरर, ठीक। तो जो साइन कन्वेंशन बेस्ड ऑन मिरर है, बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करेंगे। कुछ बुक्स में रेस के अकॉर्डिंग भी साइन कन्वेंशन दिया हुआ है, तो बुक्स आप वहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, मतलब जिस डायरेक्शन से रे आ रही है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम साइन को मानते हैं। लेकिन हमें पता है, हम नॉर्मल ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे, ये हमें पता है पॉजिटिव होती है, यहाँ हमें पता है नेगेटिव होता है, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों की अलग अलग बात है, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले जो हमेशा रहने वाले, जो एज इट इज रहने वाले, वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा इट्स जस्ट लाइक अ मिरर, ये जो हमारा वाई एक्सिस है ना, हम इसको मिरर की तरह एज्यूम करते हैं और हम मिरर के बिल्कुल सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर के सामने या कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रखते हैं, ये हमारा मिरर है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट हमेशा हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आने वाला है यहाँ पर, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी हम न्यूमेरिकल्स में लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ऑलवेज नेगेटिव। बात आती है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम, ऑब्जेक्ट हम यहां रखेंगे हमेशा, तो यहां भी क्या होगा, नेगेटिव ऑलवेज। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बाद आपका आता है फोकस, ठीक है। फोकस कॉनकेव मिरर का किधर रहता है, इधर, तो फोकस भी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यहां पर फोकस किधर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस उसके अंदर बिहाइंड द मिरर रहता है, तो यहां पर फोकस हमेशा क्या रहेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब बात आती है किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम बोलते हैं आर, इसका हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। लेकिन वहीं पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव आर, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर ये तो हमारी बेसिक कंडीशन, ये सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग थी, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के अकॉर्डिंग। अभी हमने केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात की है यहां पर, अब हम किसकी बात करेंगे, इमेज डिस्टेंस की। तो इमेज डिस्टेंस क्या है आपका, वी, ठीक है। यहां थोड़ा सा पजल होने वाला सिस्टम है, और यहां पहले मैं ना कॉन्वेक्स का करा देता हूं, क्योंकि कॉन्वेक्स का क्या है, हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेगुलर। तो जब आपकी इमेज, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज किस तरफ बनाता है, इस तरफ, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर इमेज कहां बनाएगा, इस तरफ बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज डिस्टेंस क्या रहने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। या तुम ये कह सकते हो कि जब भी आपकी इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इन केस, या यहां तो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पर एक और बात आएगी, वो बात क्या आएगी कि हाइट ऑफ इमेज, एच आई, यहां पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता लग गया, फोकस पता लग गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर पता लग गया, इमेज डिस्टेंस पता लग गया। अब हमें क्या बताना है यहां पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। यहां भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं पहले,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम किधर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव। तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, इट्स बिहेव लाइक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और यहां भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद बात आएगी हाइट ऑफ इमेज की। हाइट ऑफ इमेज भी कैसी रहेगी, जब ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर बनेगी तो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, क्लियर है ना। ये इमेज हमेशा पॉजिटिव मतलब अपवर्ड्स बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्यों, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैसी बनती है, हमेशा पॉजिटिव अपवर्ड्स बनती है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब आपको एक बार मेमोराइज हो गया तो ये न्यूमेरिकल में कभी भी आप गलती नहीं करोगे। वो क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, नेगेटिव, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, ठीक है। फिर फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ हमारा यहां पर होती है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर आएगी इमेज, इमेज डिस्टेंस, इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा और बिहाइंड द मिरर बनाएगा, तब भी हमेशा इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए हम ऑलवेज उसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। फिर आता है हाइट ऑफ इमेज, जब भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट का सेंस ही क्या है, स्ट्रेट अपवर्ड्स, तो इसीलिए क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अब हम यहां पर बात करेंगे किसकी, कॉनकेव मिरर। यहां पे बेसिकली हमें पता है कि हमारे पास छह केसेस है, कॉन्वेक्स मिरर हमें पता है ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, मगर कॉनकेव मिरर फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, मगर मैक्सिमम केसेस में वो कैसी इमेज बनाता है, वो मैक्सिमम केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तब भी रियल इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो भी रियल एंड इन्वर्टेड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तब भी रियल एंड इन्वर्टेड, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तब भी रियल एंड इन्वर्टेड, फोकस के तब भी रियल एंड इन्वर्टेड, एंड द लास्ट वन बिटवीन फोकस एंड पोल इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता लग गई। अब बात करेंगे हम इमेज डिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो न्यूमेरिकल्स हमारे गलत होते हैं वो इस जगह आकर होते, वहां कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और न्यूमेरिकल आते भी मैक्सिमम कॉनकेव मिरर पर, कॉन्वेक्स पर बहुत कम आते। इमेज डिस्टेंस को हमें क्या याद रखना है, जब भी हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारी कहां बन रही थी, सबकी सब इधर बन रही, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी तो नेगेटिव डायरेक्शन में बन रही थी, तो क्या होगा, जब भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कब, जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। इसके बाद बात आती है किसकी, रियल एंड इन्वर्टेड के बाद पॉजिटिव कब बनेगी, बिल्कुल पॉजिटिव तब बनेगी जब इमेज यहां पर होगी, और यहां पर कब होगी, जब पोल एंड फोकस के बीच में होगी, तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पर मेमोराइज रखने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका लोकेटेड होगा कहां पर, बिटवीन इंफिनिटी टू फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से फोकस तक रहेगा तो हमेशा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, और जब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल बिटवीन फोकस एंड पोल,
तो आपकी वर्चुअल है डायरेक्टली, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर। अब यहां पर बात आती है किसकी, हाइट ऑफ इमेज की, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज भी सेम कंडीशन है, कुछ उसमें पजल होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब भी आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज कहां बनेगी, नहीं नीचे की तरफ। जब भी हाइट ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, नेगेटिव। और कब होगी ये, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, बिटवीन इंफिनिटी टू फोकस। सेम पॉजिटिव कब होगी, जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहां होगा, पीएनएफ। बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट बिटवीन F and P, फोकस एंड कोण, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं ना, तो पहले फोकस पर। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और कोण के बीच में रहेगा तो वो कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, दोबारा से हम देख लेते हैं। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। जब वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगा तो उस केस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं। इट्स बिहेव लाइक अ मिरर, ये आप मैं बना देता हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है, ये समझ लो ये एक मिरर है। अब वो मिरर में दोनों तरफ पॉलिशिंग की तरह हम उसको एज्यूम कर रहे, ठीक है। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, whether object is located at infinity, whether is object is located near the mirror, it always form, always form virtual and direct image, ठीक है। So we have to take object distances negative, focal length is positive because the focal length of जो curvature होता है वो behind the mirror होता है, किसका, convex mirror का, ठीक है। तो इसीलिए focal length positive, यहाँ पर radius of curvature भी positive आएगा, यहाँ पर image distance, इमेज डिस्टेंस ऑलवेज फॉर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज एंड बिहाइंड द मिरर इमेज। तो इधर वाला तो प्रिंसिपल ये पॉजिटिव एक्सिस होता है ना हमारा एक्स एक्सिस, तो यहां पर इमेज डिस्टेंस भी हमें पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रहा है। इसके बाद आएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते तो पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हम पॉजिटिव। बात आती है कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज एज वेल एज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। बट इन टू डिफरेंट केसेस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड फ्रॉम इंफिनिटी टू फोकस इट ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन बिटवीन फोकस एंड पोल इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। सो इन बोथ द केसेस वी टेक फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज नेगेटिव, बट हाइट ऑफ इमेज always positive. But in case of image distance and height of image, two cases. The first one, when object is located between infinity to focus, height of image is negative. When object located between focus and pole, height of image is positive. And same condition in height of image. Height of image, when object is located between infinity to focus, the height of image is always negative because it formed real and inverted image. And in case when object is located between focus and pole, it always formed positive virtual and erect image. So this is the basic concept of sign convention. और यहाँ पर ये जो sign convention अगर आपका clear है ना, so according to me कि कोई numerical मुझे नहीं लगता कि आप miss करोगे, ठीक है। So फटाफट note it down.